भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रदीप चौधरी जी लोकसभा बिजनौर से, एनडीए के प्रत्याशी चंदन चौहान जी बागपत से, प्रत्याशी श्री राजकुमार सांगवान जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और भारी संख्या में इस चुनावी सभा का शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और एक एक मत को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को उपलब्ध करवाने के लिए उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मेरठ की इस क्रांति धारा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार अभियान के शुभारंभ के लिए चुना है। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में जैसे देश के अंदर उन्होंने एक नए भारत का दर्शन कराया है, उत्तर प्रदेश के विकास में जो तत्व बाधक थे उन बाधाओं को दूर करा करके, उत्तर प्रदेश को नेतृत्व और मार्गदर्शन दे करके आज नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है और मेरठ इसके लिए आभारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मेरठ में विकास की इतनी सारी सौगातें दी हैं, 12 लेन का हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हो या रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो या ओडीओपी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का कार्य हो, यहां की कनेक्टिविटी को, चाहे वह रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह रेल की हो, चाहे वह एयर कनेक्टिविटी का हो, इन सब को एक नए आयाम की ओर जहां आप ले जाने का काम किए हैं, वहीं साथ ही साथ इस क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में अन्नदाता किसानों के लिए भी जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, मात्र 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो पाया है। मोदीनपुर की चीनी मिल का पुनरुद्धार का कार्य हुआ है। सरदेव चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि छपरौली की चीनी मिल को नए सिरे से बनाने का कार्य भी हुआ है। और यही नहीं, आज इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, यह क्षेत्र इस बात का गवाह है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है, उनके कर्फ्यू के उन यातनाओं को झेला है। और बहनों भाइयों, जब भी ये समाज जाति के नाम पर बटा होगा, तमाम परिवारवादियों के माध्यम से समाज को बांटने का कुछ ही चेष्टा होगी, उसका खामियाजा ये दंगावादी और कर्फ्यूवादी लोग उठा करके न केवल आपकी आजीविका पर प्रहार करेंगे, बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर प्रहार करेंगे, बल्कि इनके माध्यम से यहां के विकास को बाधित करने का भी प्रयास होगा। आज यही कारण है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी